हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इज हियर में आपका स्वागत है। हमारे सामने ये पैराग्राफ दिया गया है, इसमें हमें एफिशिएंसी टेस्ट करना है। तो देखिए दोस्तों, हम नीचे आते हैं। और ये हमारे सामने टेबल बनी हुई है और इसमें 7 क्वेश्चन दिए गए हुए हैं। जो कि हमारे सामने है। पहला क्वेश्चन है, लाइन स्पेस 1.5 सेट करना है फर्स्ट पैराग्राफ में। तो हम ऊपर चलते हैं और फर्स्ट पैराग्राफ पे जाते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और होम टैब में जाके पैराग्राफ बटन पे जाके लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे जाके उस पर क्लिक करते हैं और 1.5 सेलेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया। हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इंसर्ट ए रो, रो इंसर्ट करनी है टेबल के एंड में। तो हम टेबल पे चलते हैं। इसमें इंसर्ट रो करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका, कर्सर को लास्ट में रखकर माउस का राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट बटन में जाकर इंसर्ट ब्लो पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारी रो इंसर्ट हो गई। एंड सेकंड मेथड है, इसको रो को डिलीट करेंगे। पहले तो इसको सिलेक्ट करके डिलीट सेल पे जाएंगे और डिलीट इंटर रो पे क्लिक करेंगे और कर्सर को हम फर्स्ट पैराग्राफ पर रखेंगे और टैब के मदद से रो इंसर्ट करेंगे एंड इसको वापस डिलीट करेंगे। तीसरा मेथड है, माइस को राउंड क्लिक करेंगे और उस पर रखेंगे और इंसर्ट ब्लो कर देंगे। लेआउट में जाके इंसर्ट ब्लो कर देंगे। एंड तीसरे प्रोग्राम में चलते हैं। हम आते हैं नीचे और तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड प्रोग्राम को टेक्स्ट को हाईलाइट करना है। हम ऊपर चलते हैं और सेकंड पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और होम टैब में जाकर पैराग्राफ होम टैब में जाके फॉन्ट ऑप्शन पे जाके ये फॉन्ट कलर है एंड ये हाईलाइट कलर है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। तो इसको हम ओपन ओके करेंगे और इसमें से कोई सा भी कलर चुन के हाईलाइट कर देंगे। फिर हम नीचे की तरफ वापस आएंगे और चौथे क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, हमारा चौथा क्वेश्चन है, टेबल के सेकंड कॉलम को राइट अलाइन करना है। हम टेबल ऑप्शन में जाकर देखो दोस्तों, टेबल कॉलम का रो कॉलम है ये है और हम टेबल कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और होम टैब में जाकर पैराग्राफ ऑप्शन में राइट अलाइन पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा राइट क्लिक हो गया है। दोस्तों, हमारा पांचवा क्वेश्चन है, पेज साइज को लीगल सेट करना है। तो हम पेज लेआउट में जाकर ये हमारे सामने मार्जिन है, टेक्स्ट सेटअप में जाके मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, साइज है और कॉलम है। तो हम साइज में जाकर लीगल क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, हमारा ये पेग लीगल हो गया है। छठा क्वेश्चन है, पेग मार्जिन मिरर्ड सेट करना है। फिर वह हम पेज लेआउट में जाएंगे और मार्जिन पे क्लिक करेंगे
और मिरर सिलेक्ट कर देंगे तो ये हमारा मिरर हो गया। और सातवां क्वेश्चन है थर्ड पैराग्राफ का अलाइनमेंट जस्टिफाई करना है। तो हम ऊपर चलेंगे और ये फर्स्ट है, ये सेकंड पैराग्राफ और ये थर्ड पैराग्राफ। इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और होम टैब में जाकर पैराग्राफ ऑप्शन पर जाकर जस्टिफाई ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल मोर अपडेट फॉर वीडियो।